देखिए, कल मैंने आपको मीनिंग समझाया था कॉस्ट कंट्रोल का और कॉस्ट रिडक्शन का, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक जो उसमें रह गया है और वो है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। अगर हम कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल के बीच में डिफरेंस देखते हैं, आइएगा डिफरेंस की बात करें अब हम। बेसिस ऑफ डिफरेंस, टेबल बना लीजिए एक। यहां हम बात करेंगे कॉस्ट कंट्रोल पर और यहां बात करेंगे कॉस्ट रिडक्शन। देखिएगा, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो इनके मीनिंग को लेकर है। जो पहला डिफरेंस हम लेते हैं वो है इनके मीनिंग को लेकर। अ टेक्निक यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द कॉस्ट, अ टेक्निक यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द कॉस्ट एज पर सेट स्टैंडर्ड इज नोन एज। कॉस्ट कंट्रोल, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई भी काम चालू करते हो तो पहले स्टैंडर्ड बनाते हो, तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कोई भी ऐसी टेक्निक को फॉलो करना ताकि आप अपनी कॉस्ट को मेंटेन कर पाओ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। अ टेक्निक यूज्ड टू डिक्रीज पर यूनिट कॉस्ट, विदाउट अफेक्टिंग विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इज नोन एज कॉस्ट रिडक्शन, इज नोन एज कॉस्ट रिडक्शन। लीजिए, तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो डिफरेंस इसके मीनिंग को लेकर आएगा। जब हम कोई ऐसी टेक्निक फॉलो करते हैं जो हमारी
कॉस्ट को हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रखेगी तो उसे तो हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक। और जब हम कोई भी ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जहां पर हम क्वालिटी को अफेक्ट किए बिना हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। सेकंड डिफरेंस, फोकस ऑन सेविंग्स। देखिएगा, कॉस्ट कंट्रोल की जो टेक्निक्स हैं ये बेसिकली सेविंग्स इन टोटल कॉस्ट की बात करती हैं। टोटल कॉस्ट को प्री डिटरमिन स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में लाना, जबकि ये जो टेक्निक है वो सेविंग इन कॉस्ट पर यूनिट पर बात करती है। टोटल कॉस्ट की सेविंग और पर यूनिट कॉस्ट की सेविंग। तीसरा पॉइंट, टाइप ऑफ फंक्शन। प्रिवेंटिव नेचर, दोनों ही सेविंग्स करने के लिए मतलब करी, बिल्कुल, लेकिन ये टोटल कॉस्ट में सेविंग बताती है भाई। हम तभी तो कह रहे हैं कि एक्चुअल कॉस्ट से स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे तो ये टोटल में कंपैरिजन होगा, और टेक्निक यूज करोगे ताकि एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड के बराबर आ जाए। प्रिवेंटिव नेचर, और ये होता है करेक्टिव नेचर। क्योंकि देखिएगा, जब आप समझना मेरी बात को, कॉस्ट में रिडक्शन करना तब चालू करोगे जब कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही हो, तो यानी आप उसको करेक्ट करने का काम करोगे। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में एक्चुअल को लेते हो तो आप बेसिकली प्रिवेंट करने का काम करते हो कि यार आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो किसके बराबर आ जाए, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट के बराबर आ जाए। तो बेसिकली उसे प्रिवेंटिव नेचर का फंक्शन कहा जाता है और इसे करेक्टिव नेचर का फंक्शन बोला जाता है। एंड पॉइंट नंबर फोर, अरे थर्ड वाला नहीं आया, डिफरेंट। थर्ड वाला कुछ नहीं है, ये प्रिवेंटिव फंक्शन। देखिए, अब ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग फाइनल लेवल पर पढ़ेंगे, अब चूंकि एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है तो मैं इसको समझाऊंगा भी, तो टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज होंगी जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी, तो आप मत जाइए उस पर, केवल आप ये इस ध्यान रख लीजिए ये प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव मतलब उसको रोकने का काम करता है कि हमारी कॉस्ट स्टैंडर्ड के बराबर हो जाए। लेकिन जो रिडक्शन करने का काम है वो करेक्टिव है, क्योंकि रिडक्शन आप तभी करते हो जब आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई जा रही है तो आप पर यूनिट को कम करने का प्रयास करते हो, तो ये करेक्टिव नेचर होता है। कॉस्ट को करेक्ट करोगे तो वो रिड्यूस होना चालू हो जाएगी, और जहां पर कॉस्ट को प्रिवेंट करोगे, रोकोगे ताकि वो स्टैंडर्ड के बराबर आ जाए, उसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव फंक्शन। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज गारंटी ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी गारंटी कौन देता है, ये नहीं प्रोवाइड करता, डज नॉट प्रोवाइड guarantee to maintain the quality.
हम क्वालिटी को मेंटेन करने की गारंटी यहां पर नहीं देते हैं, जबकि यहां तो डेफिनेशन ही वही है कि गारंटी बेकार, मतलब सॉरी, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। प्रोवाइड गारंटी टू मेंटेन क्वालिटी, प्रोवाइड गारंटी टू मेंटेन क्वालिटी, ये आपको गारंटी देगी किस बात की कि भैया आप क्वालिटी को क्या करोगे, मेंटेन करोगे। ये लीजिए, तो ये आपका एक टॉपिक था पूरा जिसमें हमने तीन बातें सीखी, व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल, व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। नाउ one more theory topic which is called as cost unit, is par bhi aapka question 100% paper mein aata hai, chaliyega to sabse pehle hum baat karenge ki cost unit hoti kya hai। लिखेंगे एक, लिखें कॉस्ट यूनिट मींस ब्रेकिंग अप और सेपरेटिंग कॉस्ट, इनटू स्मॉलर सब डिवीजन्स। स्मॉलर सब डिवीजन्स attributable to products and services। देखिएगा क्या डेफिनेशन मैंने लिखी, पहले उसको समझना। देखो कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है कॉस्ट को उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के आधार पर उसका ब्रेकअप कर देना। व्हाट डज इट मीन, देखिए जब आप कोई कॉस्ट इनकर्ड करते हो तो उसकी जो प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, वो प्रोडक्ट जिस पर बेस्ड है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से पहले मैं समझाता हूं। मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो हॉस्पिटल है उसने अपनी टोटल कॉस्ट निकाली। अब मुझे एक बात बताओ, वो उस टोटल कॉस्ट की एक यूनिट ढूंढना चाहता है कि भैया वो किस आधार पर एलोकेट होगी।
तो अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, क्या हॉस्पिटल की कॉस्ट पेशेंट्स के ऊपर बेस्ड होगी या केजी के ऊपर बेस्ड होगी? पेशेंट्स कि भैया अगर ये 80 किलो का पेशेंट है तो इसके ऊपर ज्यादा कॉस्ट लगी होगी हॉस्पिटल में, और ये बेचारा मरियल सा 40 किलो का पेशेंट आया है तो कॉस्ट अलग लगी होगी, क्या ऐसा होगा? नो सर, नहीं। हमेशा एक प्रोडक्ट या सर्विसेज की कॉस्ट को जब आप स्मॉलर ग्रुप में बांटोगे, यानी उसका एक छोटा रूप देखोगे, तो वो रूप कहलाता है उसकी कॉस्ट यूनिट। यानी बेसिकली अगर मैं आपको ये बोलूं कि किस बेसिस पर वो कॉस्ट चार्ज की जाती है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एक साइकिल की बात करूं, बाइसिकल, साइकिल की कॉस्ट पर यूनिट यानी पर साइकिल देखोगे या पर केजी देखोगे या पर लीटर देखोगे? पर साइकिल। क्या साइकिल में इस बात से फर्क पड़ेगा कि भैया ये साइकिल केजी में है या लीटर में? कभी साइकिल को मेजर करते हो? नो सर, नहीं। टेक्सटाइल या गारमेंट इंडस्ट्री, यहां पर क्या होगा, कपड़ा जब आप लेने जाते हो किलो, तो किस पर, किलो पर या मीटर पर? सर मीटर सर। हाँ किलो पर नहीं, वो देखिए मैं एक नॉर्मल बात है ना, कई जगह आजकल तो बोर्ड भी लगे हुए होते हैं किलो के भाव कपड़े ले जाओ, बट मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। एक जनरल सेंस में अगर मैं बात करूं तो हमेशा कपड़े को जो मेजर किया जाता है, गारमेंट्स को या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो मेजर किया जाता है, वो मीटर में किया जाता है कि भैया रेट पर मीटर इतनी रहेगी। अब आपको जितने मीटर कपड़ा चाहिए आप उतने मीटर के हिसाब से ले जा सकते हो। सर एक तरह से तो अपन यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मतलब जैसे यूनिट्स में मेजर करते हैं जिनको? हाँ तो कॉस्ट यूनिट का मतलब ही तो यही है कि वो यूनिट जिसके आधार पर कॉस्ट को मेजर किया जाएगा। भाई कॉस्ट यूनिट का मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि मैं ब्रेक कर रहा हूं उस कॉस्ट को स्मॉलर सब डिवीजन में, यानी मेरी जो टोटल कॉस्ट लगी उसको अगर मैं एक यूनिट टर्म्स में डिफाइन करूंगा तो देखिएगा हर प्रोडक्ट की या हर सर्विसेज की जो कॉस्ट पर यूनिट का तरीका होगा वो अलग होगा, अकॉर्डिंग टू द सर्विस होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रेलवे, बताइए जब आप एक रेलवे में जाओगे तो रेलवे में जो कॉस्ट लगती होगी उसका जो एलोकेशन होगा वो कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस प्लस पैसेंजर, दो चीजें एक साथ चलेंगी। अकॉर्डिंग टू पैसेंजर पर किलोमीटर, यानी कितने पैसेंजर्स ने कितने किलोमीटर तक की दूरी तय की, उसी आधार पर तो कॉस्ट आएगी। भाई जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 5 पैसेंजर 40 किलोमीटर गए और 10 पैसेंजर 80 किलोमीटर गए तो दोनों के लिए कॉस्ट अलग होगी कि नहीं होगी? होगी सर। तो यानी आपको ये देखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि किस इंडस्ट्री में क्या कॉस्ट यूनिट ली जाती है टू मेजर द प्रोडक्ट या सर्विसेज। जैसे मान लीजिए अब अपन बात करें कोल इंडस्ट्री, जो कोयले को ले जाने का काम करते हैं, तो इसकी कॉस्ट कैसे देखी जाएगी? कोल को मेजर किया जाता है पर टन में, तो कॉस्ट पर टन निकालेंगे। भाई गुड्स के रेस्पेक्ट में जनरली क्या होता है, पर टन या पर केजी के आधार पर मेजर किया जाता है। जैसे कोल हो गया, आप जैसे शुगर है, तो शुगर में हम क्या कर सकते हैं, पर क्विंटल, पर टन या पर केजी, ये हमारे पास शुगर इंडस्ट्री हो गई। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपसे अब और क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे अपने पास केमिकल्स हुए, तो केमिकल भी क्या होगा, पर केजी या पर टन होगा। कैंटीन में क्या होगा, पर मील। भाई कैंटीन में खाना खाने जा रहे हो ना, पर पर्सन पी या मील के बेसिस पर। होटल में क्या होगा, होटल की कॉस्ट यूनिट क्या होगी, पर रूम पर डे। आप जितने दिनों तक जितने रूम ऑक्यूपाई करोगे उतना चार्जेस आएंगे कि नहीं आएंगे? होटल में जब आप जाओगे, मान लो आपने एक दिन के लिए एक रूम लिया, तो रूम के साथ साथ डेज भी देखे जाएंगे।
तो इसलिए उसकी जो कॉस्ट यूनिट बनी वो क्या बनी, पर रूम पर डे। सिनेमा हॉल में जैसे आप जाओगे सर आर्स, आर्स नहीं, पर पर्सन पर शो, एक शो होता है पूरा, आर्स से कोई लेना देना नहीं है। आप एक मूवी देखने गए, 2 घंटे की मूवी के पैसे और 3 घंटे आप जो बैठोगे वहां पर वो उस पर्टिकुलर शो के लिए बैठोगे। हाँ। तो आर्स नहीं होते। अगर मैं सिनेमा हॉल की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, पर पर्सन पर शो, यानी एक पर्सन का एक शो की कॉस्ट। अगर वही पर्सन 2 शो देखेगा तो क्या सेम कॉस्ट में देख लेगा क्या? नहीं सर, उसे 2 बार पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए यहां पर सिनेमा हॉल में जो हम बात करते हैं वो क्या बोलते हैं, पर पर्सन पर शो। फिर मेडिसिन की फैक्ट्री में क्या होगा? मेडिसिन में तो देखिए नंबर ऑफ आइटम्स के आधार पर होता है, अलग अलग तरह की, क्योंकि ना तो मेडिसिन किलो में जा सकती है, हर तरह की मेडिसिन का अलग अलग होगा। जैसे मैं बात करूं फर्नीचर, तो फर्नीचर का मेजरमेंट क्या होगा, पर आइटम पर होगा कि भाई आपने एक फर्नीचर बनाया उसकी कॉस्ट कितनी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर आइटम पर होगी। अगर मान लीजिए आपकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, यानी आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर कि भाई आप कितने टन माल लेकर कितने किलोमीटर गए। अगर आप पावर देख रहे हैं तो पावर को मेजर किया जाता है किलोवाट में, तो यानी पर किलोवाट के बेसिस पर आप पावर को देख सकते हैं। बिल्डिंग पर स्क्वायर फिट, बिल्डिंग का जो मेजरमेंट किया जाता है वो चार्जेस लिए जाते हैं पर स्क्वायर फिट के अकॉर्डिंग। तो अगर मुझे बिल्डिंग की कॉस्ट को मेजर करना है तो मेरे पास तरीका क्या हो गया, पर स्क्वायर फिट हो गया। तो आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 254 देखिएगा, वहां पर आपको कुछ इंडस्ट्री दी हुई है और उन इंडस्ट्री की सुटेबल कॉस्ट यूनिट दी हुई है, ये आपको लर्न करनी है। 2 चार्ट मैंने आपको पहले भी बताए थे, एक किस तरह की इंडस्ट्री पर क्या मेथड ऑफ कॉस्टिंग लगता है, आप उस चार्ट पर भी मार्क करके रख लीजिए, एग्जाम टाइम में पक्का पक्का से इसको पढ़ के जाना। और दूसरा चार्ट जो आपका पेज नंबर 254 पर है, जहां पर आपको ये दिया गया है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या सुटेबल कॉस्ट यूनिट आपकी एप्लीकेबल होगी, एक बार पढ़ के देख लीजिए, 1 मिनट में आ रहा हूं, पढ़ के देखिए इसको। हाँ जी सर, चार्ट 1 कहां पे था? इंटर्नशिप की प्रोफेशनल सर्विसेज का मतलब है जो प्रोफेशनल लोग हैं, वकील हो गए बड़े बड़े, या फिर जो टैक्स के ऑफिस, टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, वो किसी प्रकार की टैक्स की वो प्रोफेशनल। इंटर्नशिप कभी भी प्रोफेशनल थोड़ी होता है, इंटर्नशिप तो ट्रेनी है, वो प्रोफेशनल कैसे बन गया? प्रोफेशनल्स का मतलब होता है जैसे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, वो कई बार अपने आर्स के आधार पर चार्ज करते हैं, वकील हो गए, टैक्स कंसल्टेंट हो गए, या फिर आपके ये जो होते हैं आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये कई बार आपसे जो सर्विसेज चार्ज जैसे करते हैं तो वो प्रोफेशनल के लिए वो कॉस्ट पर आर चार्ज करते हैं। आप 1 आर तक सर्विसेज लो, आपको इतने चार्जेस देने पड़ेंगे। सर ये कॉल सेंटर और टेली मार्केटिंग में मतलब फर्क क्या हुआ? क्या चीज? कॉल सेंटर अलग हो गया। कॉल सेंटर तो हो गया कि बस केवल कॉल अटेंड करने का काम होता है, टेली मार्केटिंग में बेसिकली वही होती है ऑनलाइन। हाँ, बट एक्चुअली में यहाँ जो BPO सर्विसेज ली गई है ना, ये BPO सर्विसेज बेसिकली जो होती है वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग चलती है। यहाँ पर जैसे टेली मार्केटिंग में तो क्या लिखा, कॉस्ट पर कस्टमर कॉल, कस्टमर की जो कॉल आएगी उसके आधार पर। लेकिन जो BPO सर्विसेज होती है वहां पर कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल्ड, आपके पास जितनी कॉल आएंगी, जो आपके कस्टमर्स जो कॉल को आप अटेंड करोगे वो एक पर्टिकुलर अकाउंट को मेंटेन करेगा BPO। अब वही बात आ गई ना, अब ये चीजें ऐसी हैं जो आप इन फ्यूचर इंटर और फाइनल लेवल पर सीखेंगे। तो कॉल सेंटर्स में तो आपके जो क्लाइंट होते हैं बेसिकली, ये जो BPO सर्विसेज हैं ये क्लाइंट टू क्लाइंट वर्क करती हैं, और टेली मार्केटिंग प्रॉपरली कॉल सेंटर जो है
मार्केटिंग का है, तो वहां पर तो हर कस्टमर की कॉल के आधार पर, और बीपीओ सर्विसेज में बेसिकली क्लाइंट के आधार पर कॉस्ट चार्ज होती है। जैसे पर पर्सन कितने लोगों को अटेंड कर, बिल्कुल। और सर ये गैस का मतलब क्या एग्जांपल है? अरे गैस तो जो होती है ना एलपीजी, हाँ बिल्कुल, क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है इनको। ये इसकी टर्म है कि हम गैस वगैरह को क्यूबिक मीटर में लेते हैं। पढ़ लिया सारे? चलें क्या भाई आगे लास्ट पॉइंट पर? देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग के पेज पर आपको एक डिफरेंसेस दिए हुए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर, और फिर एक सेकंड पेज पर यानी पेज नंबर 236 आपके स्टडी मटेरियल में और पेज नंबर 237 दो तरह के डिफरेंसेस दिए हुए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर, और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर। जैसे देखिएगा सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर। देखिए पर्पस क्या होता है इनको बनाने का। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो जनरली किसी भी एक बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस को जानने और फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है आपके बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानना और आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है वो होता है आपका कि मैनेजमेंट इन बुक्स के आधार पर डिसीजन मेकिंग कर सके या प्रॉपर प्लानिंग कर सके और कॉस्ट पर कंट्रोल कर सके। देखिए जब आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को ढूंढ पाओगे ना तभी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन आप ले पाओगे। फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरह से मेंटेन होती है जैसा कि कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट बताते हैं, क्योंकि इनके लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है। कॉस्ट अकाउंट्स जनरली वॉलंटरी रखे जाते हैं, यानी ये केवल मैनेजमेंट अपनी इच्छा से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखता है। हालांकि अब कंपनीज एक्ट ने कुछ कंपनियों के लिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। वापस से सुन लेना, जनरली जो कॉस्ट अकाउंट्स के रिकॉर्ड होते हैं ना वो वॉलंटरी रखे जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन अब रीसेंट सिनेरियो में कॉस्ट के अकाउंट्स को मेंटेन करने की भी लीगल रिक्वायरमेंट आ गई है। सब पर नहीं है, कुछ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना बनाया गया है। रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप इसलिए रिकॉर्ड करते हो और एनालाइज करते हो हर ट्रांजैक्शन को ताकि आप एक्सपेंसेस और इनकम के नेचर को जान सको। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं वहां पर आप इसलिए रिकॉर्डिंग करते हो ताकि आप ये पता लगा सको कि क्या कॉस्ट उस प्रोडक्ट पर इनकर्ड की गई है। बेसिकली अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है नेचर ऑफ एक्सपेंसेस को जानना,
जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है कि भैया कौन कौन सी कॉस्ट इनकर्ड हुई है उन सब के बारे में एनालाइज करना, कंट्रोल्स को लेकर. इट लेज एम्फेसिस ऑन द रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट विदाउट अटैचिंग एनी इंपॉर्टेंस ऑन कंट्रोल. आप जानते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग केवल रिकॉर्डिंग को बताता है ट्रांजैक्शन के, कि भैया आपने जो कॉस्ट इनकर्ड की, जो ट्रांजैक्शन की, उनको रिकॉर्ड कर लिया. इन पर कंट्रोल कैसे करना है इस पर फाइनेंशियल अकाउंट्स बात नहीं करता. कॉस्ट कंट्रोल करने का जो पूरा सिस्टम है वो कहां पर मेंटेन होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में मेंटेन होता है. हम यहीं पर एक डिटेल्ड सिस्टम बना सकते हैं जिससे हम मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट को क्या कर सकें, अपने प्री डिटरमिंड लेवल पर ला सकें. उसके लिए कुछ टेक्निक्स की जाती हैं. पीरियड, जनरली आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर बनाए जाते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मैनेजमेंट डिसाइड करता है. क्यों? क्योंकि इस पर कोई लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि आप कॉस्ट के रिकॉर्ड्स ईयरली ही बनाओगे, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि हम अपने कॉस्ट अकाउंट्स किस तरह से हम बनाएंगे, ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वहां पर आपको पूरे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता लगेगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विसेज, हर एक जॉब, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट प्रॉफिट पता लगता है. जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हो ना, तो ट्रेडिंग और पीएनएल आपको याद होगा साल भर में एक ही बार बनता है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर. तो यानी आपने ड्यूरिंग द ईयर मान लो कितने भी प्रोडक्ट बेचे हो, कितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स या जॉब वर्क किए हो, जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको आपके बिजनेस का टोटल प्रॉफिट पता लगेगा. लेकिन जब आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में आपको हर प्रोडक्ट, हर सर्विस, हर कॉन्ट्रैक्ट, हर जॉब वर्क का सेपरेट सेपरेट प्रॉफिट पता लगता है. रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंट में कॉस्ट को एग्रीगेट में जोड़ के दिया जाता है, जबकि यहां पर कॉस्ट को ब्रेक किया जाता है कॉस्ट अकाउंट्स में. जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपने अपने एम्प्लॉई को सैलरी दी, तो फाइनेंशियल में एक साथ आ जाएगा सैलरी, लेकिन कॉस्टिंग में क्या होगा, आपने मान लो फैक्ट्री के प्रमाइस, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड सैलरी दी, वो फैक्ट्री कॉस्ट में दिखाओगे. ऑफिस से रिलेटेड स्टाफ को सैलरी दी, वो ऑफिस में दिखाओगे. सेलिंग स्टाफ को सैलरी दी, वो सेलिंग में दिखाओगे. तो यहां पर ब्रेकअप किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, कॉस्ट को ब्रेक किया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में ब्रेक नहीं किया जाता. फाइनेंशियल अकाउंट में कभी लिखा है अपन ने टू फैक्ट्री सैलरी, टू ऑफिस सैलरी? नहीं, टोटल सैलरी को हम एक साथ फाइनेंशियल अकाउंट में दिखा देते हैं. जबकि कॉस्टिंग में हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट हमें कॉस्ट को ब्रेक करना पड़ता है. नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, देखिएगा फाइनेंशियल अकाउंट्स में सारे कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस आते हैं, ऑल खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस आते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंट्स में केवल गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड वो ही एक्सपेंसेस आते हैं जो उसके प्रोडक्शन में होते हैं. मैंने आपको याद हो तो एक चार्ट भी बनवाया था कि कुछ खर्चे जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं वो कॉस्ट शीट में नहीं आते, क्योंकि वो प्रोडक्ट में हेल्प वो प्रोडक्ट में हेल्प नहीं करते. लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो उस बिजनेस के पूरे खर्चे आएंगे जो भी उस पीरियड के दौरान किए जाएंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स में केवल मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट काम में लिया जाता है. यानी यहां पर जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो केवल मॉनेटरी इंफॉर्मेशन यूज होती है, जबकि जब हम कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो वहां पर मॉनेटरी के साथ साथ नॉन मॉनेटरी भी हमें क्या करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का जो ऑब्जेक्ट है ना, कॉस्ट और क्वालिटी दो चीजों पर बेस्ड है. प्रोडक्ट की कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी.
जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स केवल और केवल मनी को मेजर करने के लिए होता है। तो ध्यान रखना, फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो केवल मॉनेटरी आइटम्स आते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी दोनों आइटम्स को रिफ्लेक्ट किया जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंट्स में केवल एक्चुअल फिगर आती है, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स कब बनाया जाता है? ईयर एंड में बना रहे हो। ईयर एंड में बनाओगे तो आपको सारी एक्चुअल कॉस्ट पता होंगी, लेकिन कॉस्ट शीट में कुछ कॉस्ट एस्टीमेट के बेसिस पर भी ली जाती है, कॉस्ट एक्चुअल के बेस पर भी ली जाती है। एक मिनट, एक मिनट होल्ड। हाँ जी, अच्छा किस नाम से? ऊपर होगा शायद, हाँ ऊपर ले जाना, दूसरी वाली घंटी बजा दो ऊपर वाली। हाँ 923 मेरे पास कैश की दे रहे। हाँ कोई था नहीं, एक मिनट पढ़ो आप, में एक मिनट है ना, वेट करना मैं आ रहा हूं। हाँ भाई पढ़ लिए क्या डिफरेंसेस आगे के? देखिए हालांकि अब देखिए इन पर बेस्ड एसएच कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन ठीक है, बस वो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि भाई कोई भी चीज को ट्रू एंड फॉल्स में डाल देते हैं वो। जैसे मान लो उसने आपसे ये पूछ लिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ट्रू है कि फॉल्स है, तो क्या बोलोगे आप? अरे क्या हो गया, कहां गए? ट्रू या फॉल्स? कॉस्ट अकाउंटिंग में दोनों आते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। फाइनेंशियल आपसे ये पूछा कि भाई आप ये बताओ कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, तो ये फॉल्स हो गया आपका। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इसीलिए समझा रहा हूँ कि ट्रू फॉल्स बन सकता है इनमें से आपका, मल्टीपल चॉइस नहीं बनेगा, जो ट्रू फॉल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। इसका ये दो लास्ट के ये जो 12 और 13 नंबर है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंट्स डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ वेरियस वर्कर्स प्लांट एंड मशीनरी। देखिए फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम अपने एक्सपेंसेस को तो दिखाते हैं, लेकिन हमारी लेबर एफिशिएंट है या नहीं है, हमने अपनी प्लांट एंड मशीनरी का कितना यूटिलाइजेशन किया, इसकी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं देते हैं। लेकिन जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं वो आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आपकी प्लांट एंड मशीनरी की एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में, आपकी लेबर के एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में, कि लेबर एफिशिएंट है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लेबर ने आइडल टाइम बहुत ज्यादा किया। ये सब चीजें क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। स्टॉक का वैल्यूशन, ये दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो स्टॉक का वैल्यूशन किया जाता है वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पर किया जाता है। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पर, जबकि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में बात करते हैं तो वहां पर जो आपका स्टॉक का वैल्यूशन होता है वो किस पर किया जाता है? कॉस्ट पर किया जाता है। चलिएगा, तो देखिए बेसिकली आपके पास ये सारी थ्योरी थी। एक और है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में।
अब लेकिन हालांकि देखिएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो टॉपिक है आपका वो बेसिकली आप इंटर लेवल पर पढ़ते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है ना वो बेसिकली क्या बताती है। देखिए मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट का जो बेस ऑब्जेक्ट होता है वो होता है डिसीजन लेना। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसी टेक्निक्स को पढ़ते हैं जिनके द्वारा मैनेजमेंट प्लान बनाता है और फिर उन प्लान को अप्लाई करने और उन पर अगर कोई भी वेरिएशन आ जाए तो कंट्रोल करने के डिसीजन लेता है। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली प्लानिंग से रिलेटेड ज्यादा है कि भाई आपने किसी तरह के प्लान बनाए जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, फिर उन प्लान को आपने क्या किया, अप्लाई किया, देन उनके ऊपर आपने फोरकास्टिंग की। तो इन सभी टेक्निक को जिनका यूज करके मैनेजमेंट डिसीजन लेता है उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेसिकली आप एक समझो ना, तो बेसिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक वाइडर रूप है। उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का तो डेटा आता ही आता है, साथ ही साथ फाइनेंशियल का भी डेटा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हो ना तो किसी भी प्रकार के डिसीजन को लेने के लिए आपको दो तरह का डेटा चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा एज वेल एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना वो एक पार्ट ऑफ, केवल अपन ये कह सकते हैं नैरो है, नैरो पार्ट है, यानी वो केवल कॉस्ट पर फोकस करता है, जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना वो पूरे बिजनेस पर आने वाले इंपैक्ट को क्या करता है, मेजर करता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक नैरो टर्म है जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एक वाइडर टर्म है। देखो आप इसमें देख भी सकते हो डिफरेंसेस में, कॉस्ट अकाउंटिंग केवल डील करता है एक एस्पेक्ट को और वो है कॉस्ट, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट ऑन द बिजनेस यानी वो पूरे पूरे बिजनेस पर आने वाले इंपैक्ट के साथ डील करता है। बेस कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए बेस, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट और फाइनेंशियल दोनों से डिराइव किया जाता है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का जब आप काम कंप्लीट कर लेते हो तो वो एक बेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, डिराइव करती है डेटा कहां कहां से, कॉस्ट अकाउंटिंग से भी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी। रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग केवल हेल्पफुल होता है कॉस्टिंग डेटा को कलेक्ट करने में, जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो न केवल कॉस्ट के डेटा बल्कि हर उस एनालिसिस और बिजनेस से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का डील करता है। फॉर एग्जांपल, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, जैसे मैंने आपको बोला कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो तो केवल केवल किन डेटा को कलेक्ट करेगा, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट के डेटा को कलेक्ट करेगा, खत्म, बस उसका काम। लेकिन चूंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है तो वो कॉस्ट डेटा को तो लेगा ही लेगा, साथ ही साथ बिजनेस के जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज हैं या बिजनेस को कहां कहां किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करना है उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन लेने हैं वो सारा काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉस्ट के साथ साथ नॉन कॉस्ट एरिया को भी ये कंसीडर करता है। जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं आपसे एक छोटे से पॉइंट को लेकर, उससे आपको समझ आएगा। मान लो मैं अपने एक डिपार्टमेंट को कुछ समय के लिए क्लोज करना चाहता हूं, बंद करना चाहता हूं, अब मुझे एक डिसीजन लेना है। जानते हो जब मैं अपने बिजनेस के किसी भी डिपार्टमेंट को बंद करने का डिसीजन लूंगा तो मेरे पास दो फैक्टर काम करेंगे, कॉस्ट फैक्टर और नॉन कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर तो क्या हो गया, मैं ये चेक करूंगा
कि भैया अगर मैं अपने इस बिजनेस को बंद कर देता हूं तो मेरा क्या नुकसान होगा, और अगर चालू रखता हूं तो क्या नुकसान होगा। यानी मैं कॉस्ट बेसिस पर कंपेयर करूंगा कि भैया अगर चालू रखता हूं तो ये रिजल्ट आएगा, और अगर बंद कर देता हूं तो ये रिजल्ट आएगा, ये कॉस्ट फैक्टर हो गया। लेकिन जानते हो बंद करने के बाद जो नॉन कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं उन पर हमारी कॉस्टिंग बात नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जानते हो जब आप किसी भी काम को कर रहे थे और करना बंद करते हो तो इट विल एडवर्सली अफेक्ट योर गुडविल। लॉस ऑफ कस्टमर्स, जो कस्टमर आपके पास से माल खरीदते थे, अब चूंकि आपने वो प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया तो आप अपने कस्टमर को लूज कर दोगे। यानी फ्यूचर में अगर आप कल को ये वापस से अपनी यूनिट को स्टार्ट करते हो ना, क्योंकि आपने टेम्परेरी रूप से बंद किया, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? आप जब एक काम को कंटिन्यू कर रहे थे तो आपके कस्टमर बने हुए थे, आपने जैसे ही काम को करना बंद कर दिया वो कस्टमर डाइवर्ट हो गए और कहीं और चले गए। अब आप दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हो तो क्या आपको समस्या आएगी या नहीं आएगी, बताओ? आ रही बात समझ में? तो इसलिए आपके पास इनका जो रोल है वो अलग अलग है। बिल्कुल कुछ और डिफरेंस भी आप पढ़ सकते हो, जैसे स्कोप है, सेवेंथ नंबर का पॉइंट है, इट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अकाउंटिंग, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबको इंक्लूड करती है। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल और कॉस्ट दोनों को ले लेती है। पीरियड ऑफ प्लानिंग, कॉस्ट शीट, आप जो कॉस्ट का प्लान करते हो वो शॉर्ट टर्म प्लान होता है, लेकिन मैनेजमेंट से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन दोनों होते हैं। आपको शॉर्ट रन में बिजनेस का कोई डिसीजन लेना है वो भी कंसीडर करोगे, और लॉन्ग रन पर बेस्ड कोई डिसीजन लेना है वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो लीजिए, ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। ये आपका पूरा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर। अब आप इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे आप एक बार देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 24 पर आइए, इसने लिखा है कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, इट चैलेंजेस द स्टैंडर्ड, इट इज कैरिड आउट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी और ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या आंसर दोगे इसका 24 का? ऑल, क्योंकि ये सभी में काम आएगा। कॉस्ट रिडक्शन एक बार नहीं होता है, लगातार चलने वाली टेक्निक है, तो लॉन्ग रन भी है, ये स्टैंडर्ड को चैलेंज देता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन में हम ये कोशिश करते हैं कि कॉस्ट कितनी से कितनी कम आ जाए, तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो स्टैंडर्ड जो हमने प्री डिटरमिन की है उससे भी कम हो जाए। 23, डायरेक्टर रेमुनरेशन किसका पार्ट है, प्रोडक्शन ओवरहेड का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग का या डिस्ट्रीब्यूशन का? सर एडमिनिस्ट्रेशन का। बिल्कुल, तो 23 का आंसर हो गया बी, एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर देखो, वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जोड़ते हो तो क्या आता है, 22। आप अगर वर्क कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जोड़ते हो तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। 21 देखो,
ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आप कॉस्ट को ब्रेक करके दिखाते हो, कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रोडक्शन अकाउंट या टेंडर, कॉस्ट शीट, इनमें से कौन सा प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट है? प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, एक नई टर्म आ गई, कन्वर्जन कॉस्ट, कभी सुना है ये नाम? नो सर, नहीं सुना। देखिए, कन्वर्जन कॉस्ट होती है वो कॉस्ट जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में। कन्वर्जन कॉस्ट में दो ही चीजें आती हैं, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। वेजेस और ओवरहेड्स को मिलाकर हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। आप चाहो तो इसकी एक डेफिनेशन लिख लो, यहीं पर मॉड्यूल में ही लिख लो चाहे। कन्वर्जन कॉस्ट मींस कॉस्ट इनकर्ड, कन्वर्जन कॉस्ट मींस कॉस्ट इनकर्ड टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल, कॉस्ट इनकर्ड टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। वो कॉस्ट जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के काम आती है उसे हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो बताओ 20 का आंसर क्या बनेगा? वो कॉस्ट जो प्राइम कॉस्ट में भी आती है और कन्वर्जन कॉस्ट में भी आती है। इनमें से कौन सी कॉस्ट है जो प्राइम कॉस्ट में भी कवर होती है और कन्वर्जन कॉस्ट में भी कवर होती है? डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट है? प्राइम कॉस्ट का, फैक्ट्री ओवरहेड का, चार्जेबल एक्सपेंसेस का या नन ऑफ द अबव का? तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल क्यों नहीं होगा? डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट में नहीं आता ना, मैंने क्या लिखवाया? कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर और ओवरहेड आते हैं बस केवल। ओके सर। क्योंकि कन्वर्जन का मतलब होता है मटेरियल को कन्वर्ट करने की कॉस्ट, तो मटेरियल को कन्वर्ट करने में लेबर और ओवरहेड्स लगते हैं बस। बताइए 19th, इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट है? फैक्ट्री ओवरहेड। देखो सब कॉस्ट शीट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और किस नाम से जाना जाता है? अब ये भी एक नया क्वेश्चन लग रहा है आपको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम होता है चार्जेबल एक्सपेंसेस, भी इसे बोला जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको क्या बताए थे? जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट पर चार्ज किए जाते हैं, यानी मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया और उस पर कोई खर्चा चार्ज किया, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। अब जैसे ये 17th है, अब ये बिल्कुल किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन पर इन्होंने बनाया हुआ है, सुनना। द गाइडेंस एंड द रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड अंडरटेकिंग इज सेड टू बी। अब ये एक डेफिनेशन दी गई है आपके कॉस्ट कंट्रोल में। देखिए मैं आपको दिखाता हूं आपके स्टडी मटेरियल में। अब क्या ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं ना, वो तो क्या है, बिल्कुल इन्होंने एक लाइन उठाकर ही पूछ लिया। उसमें कहां पर डेफिनेशन में कहीं लिखा था इन्होंने? चलो मैं एक बार देख के बताऊंगा। अभी आप एक बार इसका आंसर टिक कर लेंगे। 17th का आंसर है कॉस्ट कंट्रोल। 16th का बताइए मुझे। प्राइम कॉस्ट बताइए, प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट विथ ऑल अदर कॉस्ट एक्सक्लूडेड, या टोटल ऑफ सच आइटम्स जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट पर चार्ज होते हैं, टोटल कॉस्ट, अ सम ऑफ लार्ज कॉस्ट। बताइए 16th का आंसर क्या होगा? द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम्स, टोटल ऑफ विच आर डायरेक्टली चार्ज्ड टू प्रोडक्शन यूनिट। क्यों? क्योंकि ए भी सही होता, लेकिन ए में इसने क्या लिख दिया? ऑल अदर कॉस्ट एक्सक्लूडेड। जबकि मैंने आपको बताया था प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं, तो सारी कॉस्ट को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता।
बेसिकली प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पर चार्ज हो सकती है। 15th बताइए, ऐसा कॉस्ट सिस्टम जहां पर एक साथ आप 20 डोर बना रहे हो फॉर द न्यू क्लब हाउस, यानी आप एक पर्टिकुलर लॉट में काम कर रहे हो, बताइए कौन सी कॉस्टिंग होती है जो लॉट पर लगती है? बैच। तो बस इसका आंसर हो गया बैच कॉस्टिंग। एडवर्टाइजमेंट किसका पार्ट है? सेलिंग ओवरहेड्स का। ऐसा कोई आइटम इन चारों में से बताइए जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो आता है लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं आता? इन चारों में से ऐसा कौन सा आइटम है? डिविडेंड पेड। बिल्कुल ठीक, लिखवाई थी मैंने आपको लिस्ट में। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का होता है तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आएगा लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आएगा। 12th, which of the following item is excluded from the cost accounts? इनमें से कौन सा आइटम है जो कॉस्ट अकाउंट में नहीं आता? इनकम टैक्स। क्यों, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आता है क्या? नो सर। कैश डिस्काउंट आता है? हाँ, तो 12th का आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। इनमें से कोई सा भी आइटम कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं आता आपका। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को किस नाम से जाना जाता है? जब आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हो तो उसे क्या बोला जाता है? फैक्ट्री कॉस्ट बोला जाता है। ये हो गया था 10th, 9th। देखो, ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लीस्ट कंट्रोल? बताइए क्या पूछना चाह रहा है? ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट, इनमें से किस कॉस्ट पर मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लीस्ट कंट्रोल? मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो कम से कम, देखिएगा। अब हालांकि इसका जो आंसर है दैट इज बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। देखिएगा बाकी जरा कॉस्ट के नेचर को देखूं। वेजेस कॉस्ट, क्या मैनेजमेंट को वेजेस कॉस्ट पर एक प्रॉपर वो रखना होगा कंट्रोल? यस सर। इंश्योरेंस कॉस्ट पर भी रखना होगा, ब्रेकडाउन कॉस्ट पर भी रखना होगा, लेकिन जानते हो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपका सेल्स प्रमोशन का खर्चा है। आप जितना ज्यादा सेल्स प्रमोशन करते हो ना उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट का मार्केट में वेल मार्केटिंग होगी कि नहीं होगी? यस सर। यानी बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब समझो, वो ये पूछना चाह रहा है कि मैनेजमेंट लीस्ट कंट्रोल किस पर रखना चाहेगा, यानी इनमें से ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिस पर कम कंट्रोल रखोगे। कंट्रोल तो हर कॉस्ट पर रखना होता है लेकिन एडवर्टाइजमेंट पर सबसे कम होगा। रीजन, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अगर आप ज्यादा करोगे तो आप जितना ज्यादा सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी करोगे आपके प्रोडक्ट के बिकने की जो संभावना है वो उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन बाकी की कॉस्ट पर अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा ना तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, जानते हो आप? यस सर। लेकिन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अगर बढ़ाओगे ना तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ाने का एक फेवरेबल इंपैक्ट आता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक वेल नोन प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कौन सी मेथड यूज होता है? प्रिंटिंग इंडस्ट्री, बताइए। मैंने आपको समझाया था प्रिंटिंग वर्क बेसिकली एक कस्टमाइज्ड वर्क होते हैं, यानी जॉब वर्क होते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो प्रिंटिंग वर्क कर रहे हो क्या वो दूसरे पर्सन के प्रिंटिंग वर्क से अलग होगा या सिमिलर होगा? सिमिलर। मतलब एक तो शादी का कार्ड छपवा लो और एक बुक छपवा लो, सिमिलर काम है दोनों? नो सर। हाँ, तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में हमेशा कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से काम किया जाता है, यानी हर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ऑर्डर होता है। तो कौन सी कॉस्टिंग लगी यहाँ पर? जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग।
पढ़ लेना एक बार आप ये सारे, इसके सारे फिल इन द ब्लैंक करो आप, जितना आप इनको ट्राई करोगे ना उतनी चीजें सोचना आएंगी आपको। फिल इन द ब्लैंक्स भी रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, क्या चीज रिलेवेंट कॉस्ट? रिलेवेंट कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो आपके डिसीजन को अफेक्ट करती है उसे हम रिलेवेंट बोलते हैं। मतलब जैसे आपके सामने कोई भी एक डिसीजन है, ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आप अगर डिसीजन लेते हो या डिसीजन नहीं लेते हो, तो जो कॉस्ट डिसीजन को अफेक्ट करें वो रेलेवेंट और जो अफेक्ट ना करें वो इररेलेवेंट। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैंने आपको याद होगा तो जब मैं टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा था ना, एक कॉस्ट बताई थी संक कॉस्ट, ध्यान है आपको संक कॉस्ट? यस सर, पास्ट में जो लग ऐसी जो लग चुकी है। अब मुझे एक बात बताओ, जो कॉस्ट लग चुकी है क्या वो आपके डिसीजन को कभी अफेक्ट कर सकती है क्या? उसे हम बोलते हैं इररेलेवेंट कॉस्ट। जो कॉस्ट डिसीजन को अफेक्ट करती है वो रेलेवेंट, जो कॉस्ट डिसीजन को अफेक्ट ना करे वो इररेलेवेंट। अब देखो इसने क्या पूछा है फिफ्थ क्वेश्चन में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मुझे बताओ क्या आप कभी भी डिसीजन लेते समय अपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पर सोचते हो या नहीं सोचते हो, बताओ? या मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि हम कोई भी डिसीजन ले लें किसी भी चीज से, आप हमेशा अपना नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव तो सोचोगे ना? यस सर। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज अफेक्ट योर डिसीजन, तो इसीलिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या बोलते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं। बोलो क्लियर? चलिए, तो ये आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट कंप्लीट है, लेकिन हाँ हमें अभी इसके और कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, इसके एग्जाम के क्वेश्चंस अभी हमें करने हैं। मैंने एक तरफ से लिख लिए हैं, मैं कोशिश करता हूँ या तो आज इवनिंग तक आपको भेजूं या फिर नहीं तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाकर, क्योंकि वो मुझे फिर क्या या तो टाइप करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन आए हैं कुछ अलग से, हमें एक बार उनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो 20 मार्क्स का पोर्शन है उसमें हमारे पास और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। एंड देन साथ में हम मंडे से, हाँ जी बोलिए सर, ये फिक्स्ड कॉस्ट का एक टाइप होता है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का। देखिए फिक्स कॉस्ट जो होती है ना, बेसिकली आपको क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट है ना वो फिक्स कॉस्ट भी कई तरह की होती है। एक होती है जैसे मान लो कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड का मतलब जानते हो क्या होता है? जिसके लिए आपने कमिटमेंट कर दिया है, यानी आपने वादा कर दिया, तो वो आपको कॉस्ट इनकर्ड करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। एक होती है आपकी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। ये क्या होती है? ये कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी ये बेसिकली आपके किसी न्यू रिसर्च करने की कॉस्ट हो गई, आप अपने बिजनेस में जो पॉलिसीज बनाते हो, जो डिसीजन लेते हो, उनकी कॉस्ट होती है। इनको मैनेजमेंट अपनी इच्छा से क्या कर सकता है, एलिमिनेट भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है। पर फिक्स कॉस्ट तो सर एलिमिनेट हो ही नहीं सकती ना। क्यों नहीं हो सकती? आपको बताई थी मैंने फिक्स कॉस्ट को भी एलिमिनेट करने का एग्जांपल दिया था। वो तो तब होगा जब बंद कर दिया अपन ने, बंद ही कर दिया। वही तो बोल रहा हूँ ना, तो अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो ना। मैंने क्या बोला, डिस्कशनरी का मतलब है विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ने वो काम न करने का डिसीजन लिया तो यू कैन एलिमिनेट द कॉस्ट। जैसे मैंने आपको एक रेंट का एग्जांपल दिया था, रेंट ऑफ मशीन का, कि वो फिक्स्ड रेंट है, लेकिन वो फिक्स्ड रेंट तब लगेगा जब मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा और मशीन लूंगा। अब अगर मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं मैं ये प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा तो मुझे मशीन की जरूरत ही नहीं है, तो वी कैन एलिमिनेट द कॉस्ट। बट सोचो आपने अपने यहां पर एक परमानेंट स्टाफ रखा हुआ है, अब आप काम करो चाहे मत करो, क्या उस कॉस्ट को रोक सकते हो क्या? That will be called committed cost. Commit किया हुआ है आपने,
कि भैया तू मेरे यहीं रहेगा, तू मेरा परमानेंट एम्प्लॉई रहेगा। और सर ये मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में डिफरेंस? देखिए मार्जिनल कॉस्ट जो मैंने आपको बताया था वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या बताई थी मैंने आपको, वो कॉस्ट जो हर एक एडिशनल यूनिट पर लगती है, उसका नाम था मार्जिनल कॉस्ट। यस, यानी बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ही होती है जो यूनिट के चेंज होने पर चेंज होती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में दोनों कॉस्ट आती है, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ टाइप ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, जबकि मार्जिनल केवल और केवल किसको इंक्लूड करती है? वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करती है। इसमें एक टॉपिक है कॉस्ट सेंटर, ये क्या कॉस्ट सेंटर? देखिए अब ये एक्चुअली में क्या है, इन्होंने एक जो पॉइंट दिया है ना, कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन या जो आपका इंडस्ट्री है उसके जो डिविजन होते हैं उन्हें कॉस्ट सेंटर्स बोलते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरी तीन ब्रांचेस हैं, तो मेरी तीन ब्रांचेस हैं वहां पर अलग अलग कॉस्ट लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी? लग रही। तो वो मेरे तीन कॉस्ट सेंटर्स हो गए। बेसिकली आप ऐसे समझो कॉस्ट सेंटर्स आर सब डिविजन ऑफ एन बिग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आप कभी बिग बाजार गए हो? Yes. बिग बाजार में आपने देखा होगा कि वहां पर हर फ्लोर पर एक अलग डिवीजन है। अगर आपको क्लोथ्स लेने हैं तो एक अलग फ्लोर पर जाना पड़ेगा, आपको किचन के यूटेंसिल्स लेने हैं तो अलग फ्लोर है, शूज के लिए एक अलग फ्लोर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए एक अलग फ्लोर है। तो दीज आर बेसिकली कॉल्ड डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या मैं ऐसा बोलूं कि दीज आर कॉल्ड कॉस्ट सेंटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसे डिवीजन या ऐसे ब्रांचेस जहां की जो कॉस्ट होगी ना वो अलग अलग होगी। यानी एक कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट दूसरे कॉस्ट सेंटर से क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो कॉस्ट सेंटर्स कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये आपके डिविजन्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, जहां पर आपकी कॉस्ट इनकर्ड की जाती है उसे हम कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और देख लेना और पढ़िएगा इसको, कोई पॉइंट नहीं। एडवांटेजेस ऑफ जैसे कॉस्ट शीट ये सब आएगा क्या? नहीं नहीं ये नहीं पढ़ने, वो मैंने हटा दी इसीलिए नहीं पढ़ाए। एडवांटेज और इन पर बेस्ड कुछ नहीं बनेगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बेसिक थ्योरी प्लस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट मेथड्स और कॉस्ट शीट, बस इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे आपको। एडवांटेज वगैरह पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं बनते। ठीक है ना, चलिए तो ये आपका टॉपिक हो गया। इसके आज आप एक बार क्वेश्चन जरूर कर लेना, एक बार फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, फिर भी और कोई दिक्कत होगी तो अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। ये एक टेबल गिवन है 241 पे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 241 पर, हाँ बिल्कुल है। ये आपको याद करनी है, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये मैं बोलना रह गया, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप जब कॉस्टिंग को रिकॉर्ड करते हो तो कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। आपके एग्जाम में ये जरूर पूछ सकता है कि भाई इसका CAS नंबर बताइए, CAS यानी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आपको ये टेबल भी लर्न करनी है। CAS 1 किसका है, CAS 2 किसका है। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि एम्प्लॉइज कॉस्ट से रिलेटेड CAS कौन सा है, चार ऑप्शन दे देगा, तो भाई हमें पता होना चाहिए कि 7th नंबर का जो CAS है वो एम्प्लॉइज कॉस्ट से। हाँ ये रह गया था, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इस चार्ट पर तो इंटर लेवल पर भी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव CAS से रिलेटेड। तो ये आप CAS के क्वेश्चन इसको भी कर ले, हालांकि आपके मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी इन एग्जाम इस CAS पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एक बार ये भी याद करने हैं कि, यानी आपको बेसिकली तीन टेबलें याद करनी है, एक CAS की टेबल, एक वो कॉस्टिंग के मेथड्स की टेबल और एक वो कॉस्ट यूनिट की टेबल। ठीक है,
हाँ जी बिल्कुल, चलिए।